आप इस वीडियो को इंग्लिश ऑडियो के साथ मेरे अल्टरनेट चैनल करियर मास्टर पर देख सकते हैं। चैनल की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दिया है। यू कैन वॉच दिस वीडियो विथ इंग्लिश ऑडियो ऑन माई अल्टरनेट चैनल करियर मास्टर। आई हैव शेयर द लिंक ऑफ द चैनल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, केरल केंद्र विश्वविद्यालय, एकेडमिक सेशन 2020-21 के लिए सीयूसेट के माध्यम से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूनिवर्सिटी ने इसके संबंध में अधिसूचना नोटिस जारी की है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग मैं कोई भी नई अपडेट, कोई भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप वेबसाइट पर लॉगिन करें, www.cukerala.ac.in। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको ये टैब दिखेगा, न्यू एडमिशन, ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे सारी डिटेल्स हैं इन लिंक्स में। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल को क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस, यूसेट 2020 एडमिशन, प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, सीट एलोकेशन फॉर वेरियस प्रोग्राम, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स, टेंटेटिव डेट्स, सारे लिंक क्लिकेबल हैं। शुरुआत में टेंटेटिव डेट से करता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जब आप क्लिक हियर करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन बाय कैंडिडेट थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल 21st of October 2025 PM टू 28th of October 2020 टिल 11:59 PM। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 28th of October 11:59 PM। बफर डेज इन केस ऑफ एनी टेक्निकल इशू 29th of October 2022 31st of October 2020। ऑनलाइन एडमिशन 2nd of November टू 5th of November। ये देखते हैं कि कैसे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है, आप सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आप इस टैब को क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके सामने ये डॉक्यूमेंट्स हैं, गूगल डॉक में सारे सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हुए हैं, एंटी रैगिंग एफिडेविट, EWS सर्टिफिकेट फॉर्मेट। आप इन सर्टिफिकेट को लिंक को क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। फी एट ए ग्लांस ये PDF में है, साथ ही साथ OBC सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आपको अंडरटेकिंग देना होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लिंक को क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें फ़ी देखना है तो हम इस लिंक को क्लिक करेंगे। लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने पेज खुल जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी फ़ी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की। UG कोर्सेज के लिए फ़ी आप देख सकते हैं, जनरल OBC के लिए 7,880, SC ST के लिए 7,640, MA MSW MED MSc मैथमेटिक्स, जनरल OBC के लिए 11,240, SC ST के लिए 11,020, MSc MPH के लिए जनरल OBC के लिए 13,580, SC ST के लिए 13,360, LLM के लिए जनरल OBC के लिए 15,200, SC ST के लिए 15,050, MSc योगा थेरेपी जनरल OBC के लिए 16,660, SC ST के लिए 16,510, MBA टूरिज्म ट्रैवल मैनेजमेंट जनरल OBC के लिए 54,230, SC ST के लिए 54,080। ये सारे फी फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, आपको ये मैं याद दिला दूं। MCOM जनरल OBC 17,410, SC ST 17,260, PG डिप्लोमा इन योगा ऑल 10,200, PG डिप्लोमा इन NRI लॉ 8,990, PG डिप्लोमा इन हिंदी 8,990। आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके साथ अब देखते हैं प्रोसीजर क्या है ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए। इसके लिए आप इस डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। आप शायद तो वीडियो को पॉज कर सारी जानकारी आराम से पढ़ लें कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये URL है, इस URL में आपको जाकर रजिस्टर करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर दिया गया है, आप सारी जानकारी को आराम से पढ़ लें। मैं डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर रहा हूँ। मैं इस डॉक्यूमेंट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा।
अब देखते हैं सीट एलोकेशन क्या है अलग अलग कोर्सेज के लिए। इस डॉक्यूमेंट को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब आराम से वीडियो को पॉज कर सीट एलोकेशन को देख सकते हैं। अनरिजर्व OBC SC ST EWS 40.5% सीट जनरल कैटेगरी के लिए है, 27% OBC के लिए, SC के लिए 15, ST के लिए 7.5, EWS के लिए 10। UG कोर्सेज साथ ही साथ PG कोर्सेज के आप ब्रेकअप को देख सकते हैं सीट्स के। डॉक्यूमेंट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ये लिंक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, जब आप इस लिंक पर विजिट करेंगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ लॉग इन कर सकते हैं और ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की। आपको मैं फिर सलाह दूंगा कि सारे गाइडलाइंस को आप अच्छे से पढ़ लें तभी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल की अपने पसंद के सब्जेक्ट में, अगर आपका कट ऑफ यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बराबर या ज़्यादा आया है। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल को लेकर आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे थे, जो दुविधाएं, जो परेशानियां थी, वो परेशानियां दूर हुई होंगी। थैंक्स अ लॉट। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, ऑल द बेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। थैंक्स अ लॉट।